हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं हूँ अर्षद। चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक जरूरी वीडियो क्लिप। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों ये वीडियो क्लिप प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे राष्ट्र को 14 अप्रैल की सुबह संबोधित किया था। इस संबोधन में उन्होंने बताया था कि हमारे देश में अभी कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं और फ्यूचर में हमें क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम कोरोना से बच सकें। दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो को देखना चाहते हो तो ये पीएमओ के ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको, जिसपे क्लिक करके आप इस पूरे वीडियो देख सकते हो। दोस्तों इस संबोधन के लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 7 टास्क दिए थे, या फिर आप ऐसा कहें तो 7 ऐसे काम बताए थे जिनको करना हमारे लिए अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत जरूरी है। वो 7 आपको यहां पर शो हो रहे होंगे। इसमें से चौथे नंबर का जो काम है उसी को मैंने इस वीडियो क्लिप के जरिए आपको दिखाया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से अपील की थी कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हम सभी को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करती है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है। तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप काम करने के लिए आपके मोबाइल में अवेलेबल 2 फंक्शन का इस्तेमाल करता है। पहला तो आपके मोबाइल का GPS और दूसरा आपके मोबाइल का ब्लूटूथ, और इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि आप किसी ऐसे एरिया में ना जाएं जहां पे आपको कोरोना संक्रमण का खतरा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो कोरोना संक्रमित है। और दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए भी हैं और वो बाद में कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसका अलर्ट भी ये आपको सेंड करती है। साथ में अगर आपके एरिया में कोई पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उसका अलर्ट भी ये आपको सेंड करती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी यूज हैं जिनको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके सर्च बार में जाके टाइप करना होगा आरोग्य सेतु और सर्च पर क्लिक करना होगा, तो ये आरोग्य सेतु का इंस्टॉलेशन पेज खुल जाता है। इसमें अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करते हैं तो इस ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। इसमें नीचे स्क्रोल करने पर आप देख सकते हैं कि इसके 10 मिलियन से ज़्यादा अभी तक डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऑफर्ड बाय है NICE गवर्नमेंट मोबाइल ऐप। इसको मेरे को आपको दिखाने का रीज़न ये था कि कई बार मिलते जुलते नाम की फेक ऐप आ जाती है जो आपका डाटा चोरी कर सकती है, लेकिन ये जेन्युइन ऐप है तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसके इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको रिडायरेक्ट करके लैंग्वेज प्रेफरेंस के पेज पे ले जाती है। यहाँ पर आपको 11 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से हिंदी इंग्लिश के अलावा 9 रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। नेक्स्ट करने पर इसमें लिखा हुआ आता है ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें, फिर ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें और ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित करें। इसके बाद में जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आता है यदि आप जाने अनजाने में COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा, ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में COVID-19 के लक्षण विकसित हो जाएं तो उस स्थिति में आपकी सहायता की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ आता है आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की COVID-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है लोकेशन की और ब्लूटूथ की, तो मैं सहमत है पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में ये मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर फीड करता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो अब ये OTP सेंड करेगा जिसको फिल करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
अब ये रिडायरेक्ट करके मुझे सेल्फ असेसमेंट वाले पेज पर लेकर आया है जहाँ पर लिखा हुआ है कृपया सही उत्तर दें। तो मैं भी यहाँ पे सही उत्तर दे रहा हूँ, आप भी यहाँ पर सही उत्तर दीजिएगा, ये आपके ही फायदे की चीज़ है। इसमें बैंगनी कलर के बॉक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा और वाइट कलर के बॉक्स में आपको संभावित आंसर के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर को चूज़ कीजिएगा। तो मैं इस सेल्फ असेसमेंट को जल्दी से कम्प्लीट कर लेता हूँ। अब ये सेल्फ असेसमेंट पूरा करने के बाद में देखिए नीचे रिजल्ट लिखा हुआ आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे ऑप्शन में कि आपका संक्रमण जोखिम कम है। मैं आशा करता हूँ कि आपका भी यही रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका कुछ डिफरेंट रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐप आपको सजेस्ट करेगी कि आपको आगे क्या करना है। इसमें आप अगर नीचे देख पा रहे होंगे तो एक लिंक दिखी हुई आ रही है, जिसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कोरोना की हेल्प के लिए आपके लिए बनाई गई है। तो इसमें जाकर आप लेटेस्ट जानकारी से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और ये जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड है, इसलिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, विश्वास भी कर सकते हैं। अब मैं बैक में आके ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करके मुझे होम पेज पे लेके जाता है जहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है आप सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट भी फेवरेबल आया है और मैं किसी कोरोना संभावित इलाके में भी नहीं हूँ, इसलिए ये ग्रीन कलर दिखा रहा है। जबकि मैं अगर किसी कोरोना संभावित इलाके में जाऊँगा या फिर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के समीप जाऊँगा तो ये ग्रीन कलर रेड कलर या ऑरेंज कलर में भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर नीचे कोरोना से बचाव के उपाय और उससे रिलेटेड जानकारियाँ आ रही हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एक वीडियो भी है जो भी कोरोना की जानकारी आपको प्रोवाइड करता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें जो ये तीन टैब आ रही है इस पर क्लिक करके भी कोरोना से रिलेटेड जानकारियाँ ये प्रोवाइड करता है, और इसको नीचे स्क्रॉल करने पर ये पीएम का कोट आता है जिसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके नीचे ये पीएम केयर की जानकारी आती है जो कोरोना रिलीफ फंड बनाया हुआ है। इसमें आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं, बैंक के द्वारा भी डोनेट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यूपीआई के द्वारा भी डोनेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे शेयर ऐप का ऑप्शन आ रहा है जिसपे क्लिक करके आप ऐप को शेयर भी कर सकते हैं और इसकी लिंक आप सोशल मीडिया के द्वारा दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर चार टैब है, जिसमें से पहली टैब अभी ओपन हो रही है, दूसरी टैब सेल्फ असेसमेंट की है जो हमने अभी लिया हुआ है तो हमें इसे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बैक आ जाते हैं। इसमें जो तीसरी टैब है ये कोरोना से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थान स्टेट की जानकारी सबसे पहले आ रही है, उसके नीचे नेशनल जानकारी है कोरोना से रिलेटेड, और उसके नीचे स्टेट वाइज जानकारी है कि कितने लोग अभी संक्रमित हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोगों का उपचार अभी हो पाया है। इसकी चौथी टैब ई पास के लिए है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसमें ऊपर येलो कलर में कमिंग सून लिखा हुआ है। अगर आप जरूरी सेवा से रिलेटेड हैं और आपको बाहर आना जाना पड़ता है तो अभी आपको फिजिकल आई कार्ड या पास कैरी करना पड़ता होगा, लेकिन इसके एक्टिव हो जाने के बाद में आपको किसी फिजिकल आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के थ्रू आप अपना बाहर का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, ये ऐप आपके लिए फायदेमंद कैसे है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संपर्क में आने से फैल सकता है। ये ऐप पहला काम तो ये करती है कि ये सुनिश्चित करती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो कोरोना संक्रमित है। दूसरा काम ये करती है कि अगर आपके समीप कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कोरोना पॉजिटिव है तो उसका अलर्ट भी आपको सेंड करती है। तीसरा काम करती है कि कोरोना से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाती है, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको डेली बेसिस पर चेक करें। प्लस इसका एक और बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी जरूरी सेवा में हैं और आपको कहीं आना जाना पड़ता है तो आपको एक आईडी कार्ड या फिर पास कैरी करना पड़ता होगा, जिसको आपको अथॉरिटी को दिखाना पड़ता होगा और फिर आप कहीं आ जा पाते होंगे। लेकिन अभी इस चीज़ पर विचार चल रहा है कि गवर्नमेंट उस पास को भी इस ऐप में ही ऐड कर दे, यानी कि अब आपको आईडी कार्ड या पास अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस ऐप में खोल के अपना पास दिखा देना है और आप अपना काम पहले की तरह ही जारी रख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से अपील की है कि हमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मेरे हिस्से का काम मैंने कर दिया है, मैंने अपने मोबाइल में और अपने सभी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर दिया है और हम सभी इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों इसमें आपकी हेल्प की भी जरूरत है। आपके लिए दो काम है, पहला तो ये कि आपको भी इस ऐप को इंस्टॉल करना है और इसका इस्तेमाल करना है, और दूसरा आपको इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ में शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे और सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को और अपने परिवार को इस कोरोना वायरस से सुरक्षित कर पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस गोल बटन पे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।